हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज से परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करना चाहते हैं, वजन को कम करेगी, साथ ही प्रोटीन एंड फाइबर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर रेसिपी, जिसको आप लंच बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं और एज अ ब्रेकफास्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी होने के साथ में टेस्टी भी है ये। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, एक छोटा चम्मच जीरा, आप मस्टर्ड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन की क्रश करके डाली हैं। जीरा और लहसुन दोनों ही वेट को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट हैं। हरी मिर्ची एंड प्याज को मैंने कट करके डाल दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखा है। प्याज को हम जैसे सब्जी की तरह फ्राई करते हैं, भूनते हैं, गोल्डन वैसे नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज करना है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और गैस का फ्लेम मैंने सिम रखा है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए प्याज का, बिल्कुल क्रंची रखना है। अब हम वेजिटेबल्स डालेंगे, तो जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं कैरेट एंड कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बीन्स, फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। तो इन सब्जियों को बिल्कुल गलाना नहीं है, 50% तक कुक करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी, कुछ नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा। यहाँ पर मैंने रॉक सॉल्ट लिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के ढक्के रख देंगे, जिससे कि हाफ कुक हो जाए। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल दिया है मैंने। अब हम देख लेते हैं, वेजिटेबल्स बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे लगे ना। और ये रहे राजमा, छोले, काले चने और इसमें साबुत मूंग दाल भी है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के बॉईल किया है, इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है पहले ही। अब हम ऊपर से कटा हुआ एक टमाटर डाल देते हैं, रफली कट किया है मैंने बड़ा बड़ा। और इसको, टमाटर को गलाना नहीं है, सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, उनका क्रंच ख़त्म नहीं करना है। 50% तक ये कुक हो जाएंगी। बस ये सब्जियां बिल्कुल तैयार हैं और बीन्स पहले से बॉइल्ड हैं। केवल 1 मिनट के लिए हमें ढक के पकाना है, जिससे कि फ्लेवर एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएं। मसाले बहुत ही कम यूज़ किए हैं हमने इस रेसिपी में। अगर आप चाहें तो चाट मसाला या गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी है, डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी कोई भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, आपकी प्रोटीन एंड फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा करके रखेगा, कोई वीकनेस भी नहीं लगेगी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो वीक में एक बार आप ज़रूर इसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ, जिससे कि टेस्ट इन्हांस होगा। और यहाँ पे हरा धनिया, जो कि वजन कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है, सभी को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। देखिए हमने मसाले बहुत ही कम डाले हैं और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट बन गया है। आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच में लीजिए या फिर डिनर में लीजिए। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में सर्व करने जा रही हूँ, तो अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है और कितना हेल्दी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चुकंदर मैं ऊपर से ग्रेट करके मैं डाल देती हूँ, जो कि आपकी एचबी को मेंटेन करेगा। थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे हम। नींबू वजन को कम करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो नींबू मैं रख देती हूँ। साथ ही अगर आप चाहें तो कुकुम्बर के स्लाइसेस रख सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये सैलेड बन गया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें।